नमस्कार, स्वागत है आपका एस टू डी की विशेष कार्यक्रम में। मैं मीनाक्षी आपको लेके आई हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जहाँ पर हम किसानों के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानेंगे। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर हमीरपुर के डायरेक्टर विनोद शर्मा से। आई बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किसानों के लिए किस तरह की योजनाएँ प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी सर कि प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो शुरू की गई हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा जो मुख्य योजना है, जो जैसे हमारा ये मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, इसके अंतर्गत किसानों को अगर ग्रुप में हैं तो तीन या तीन से ज़्यादा किसान अगर संरक्षण योजना जो बाड़बंदी है सोलर से चलती है, इसमें 85% अनुदान दिया जा रहा है, और जो इंडिविजुअल फार्मर है, अकेला फार्मर है, उसको 80%। अगर इस योजना की बात की जाए तो इसका लाभ जो है वो किसान कैसे ले सकता है, किस तरह से आपके डिपार्टमेंट के साथ जो है वो संपर्क कर सकते हैं और किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हमारे एरिया में ये आवारा पशुओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जंगली जानवरों का बहुत प्रकोप है, बंदरों की बहुत समस्या है, तो इसको देखते हुए हिमाचल सरकार ने ये मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना चलाई हुई है। इसके अंतर्गत सभी जिसके पास खेतीबाड़ी की ज़मीन है वो उसके पात्र हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। वो अपने नज़दीकी जहाँ कृषि कार्यालय है वहाँ जाकर के वहाँ अपने अधिकारी से मिले, वहाँ अपना जो पर्चा ततिमा जो फॉर्मेलिटी है उसकी वो पूरी करें, वो सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हमीरपुर के किसानों की बात की जाए तो वो एग्रीकल्चर से जो है प्रदेश सरकार की जो योजना है उसका लाभ कितने समय में और कैसे ले सकते हैं। देखिए, जैसे वो अप्लाई करेगा तो तुरंत जैसे हमारे पास बजट आता है हम उसी वक्त उसकी जो प्रायोरिटी बना के उसको हम संक्षण दे देते हैं और तुरंत उसका काम शुरू हो जाता है और उसका फ़ायदा दे दिया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो हमारी प्रदेश सरकार की योजना है, जैसे वो किसान बागवान समृद्ध योजना या स्वरोजगार योजना है जो पॉलियोस के माध्यम से किसानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उसके ऊपर भी 85% अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। वो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, जैसे बरसात के मौसम में या आप सर्दियों में जो फसल नहीं ले सकते हैं ठंड के कारण, तो वो कुछ पॉलिस में फसल ले सकते हैं, उस पे ऊपर भी सरकार 85% अनुदान दे रही है। और इसमें विभिन्न मॉडल हैं, 6 स्क्वायर मीटर से लेकर के 1008 स्क्वायर मीटर तक इसका साइज है। इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि जो 46 स्क्वायर और 40 स्क्वायर मीटर तक तो किचन गार्डनिंग के लिए या नर्सरी रेजिंग के लिए उनमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जो इससे ऊपर जो 250 स्क्वायर से लेकर के जैसे 250 स्क्वायर है, 500 स्क्वायर है, फिर 1000 स्क्वायर मीटर का जो पॉलियोस है, इसके लिए सरकार उनको पहले ट्रेनिंग भी करवाती है, वहाँ उनके रहने खाने का व्यवस्था पूरी होती है, उनको आने जाने का किराया मिलता है और वो कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर में उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है इससे पहले। और केंद्र सरकार द्वारा भी किसानों के लिए बहुत सारी जो है वो बीमा और योजनाएं जो हैं वो शुरू की गई हैं, उनमें किस तरह से किसान जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार की हमारे जो मुख्य जिससे अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो मैं तो सभी किसानों को सलाह देता हूँ कि जैसे हमारी ये खरीफ सीजन की मक्की की बिजाई अभी शुरू हो गई है और उसका वो सभी किसान बीमा करवा के, जैसे हमें आपको आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे तूफान हो चाहे सूखा हो, तो इससे फार्मर को निपटना पड़ता है और उसको सूखे की वजह से अपनी पैदावार को वो नहीं ले पाता और नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए उसको अगर वो बीमा करवा लेता है तो इसकी भरपाई वो है भारत सरकार जो है बीमे करवाने के माध्यम से उसकी भरपाई करती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा अनुरोध करूँगा जो जितने भी हमारे किसान भाई हैं अपने नज़दीकी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिस में मिले, वो आपको पूरी गाइड करेंगे, अपनी जो फॉर्मेलिटी पूरी करके संबंधित बैंक में जाएं और वहाँ अपनी फसल का बीमा करवाएं। इसका ज़्यादा बीमा राशि नहीं है, अगर आप मक्की की बात करें तो 24 रुपये प्रति कनाल, अगर कोई 5 कनाल लगता है तो 120 रुपये 5 कनाल का खर्च आएगा और आपका जो है लगभग 1200 रुपया प्रति कनाल की बीमा राशि आपकी पूरी अगर बनती है तो इसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही अगर उर्वरक की बात की जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो किसानों को उर्वरक के बारे में किस तरह से योग करता है कि किस तरह से किसानों को उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, आज के समय में जो उर्वरक खादों को जो रासायनिक खादें हैं इसका प्रयोग करते करते हमारी जो भूमि है इस वक्त बंजर बन चुकी है। और मैंने तो एक स्लोगन दिया है अभी कि जन और ज़मीन को बचाना होगा तो
प्राकृतिक खेती को या जैविक खेती को अपनाना होगा। तो उस विषय में तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें जो रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है, और उसके उपरांत जो दुष्परिणाम आ रहे हैं वो आपको पता ही, आजकल आदमी की जो सेहत पे असर हो रहा है वो हर आदमी बीमार है, कोई ना कोई इसको व्याधि बीमारी लगी हुई है। वैसे तो अब जैसे पौध संरक्षण है, दवाइयाँ हैं, दवाइयों को छिड़काव है, इसके प्रति सरकार ने थोड़ा इसको डिस्कार्ड किया है कि सब्सिडी भी अब वो कम दे रहे हैं कि किसान इस तरफ कम जाएं, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती है या जैविक खेती है उसके ऊपर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, आजकल हिमाचल सरकार ने इस बजट में जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती है इसके ऊपर 25 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। और वो क्यों किया है ये, कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का क्यों ज़रूरत पड़ी है, वो इसलिए कि हमारी जो ज़मीन है इस वक्त है उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो गई है। दूसरा, जो भी इस वक्त आप हम सब्जियां खाते हैं, जो भी खाद्यान्न है, सब्जियां हैं, इसके माध्यम से जो मनुष्य में जो बीमारी आ रही हैं, भयंकर बीमारियां आ रही हैं, और ये बड़ी चिंता का विषय है। और उसको देखते हुए ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहल है, या दूसरा जो हमारा जैविक खेती है, इसकी बहुत ज़रूरत है आज के समय में अपनाना, अन्यथा हमारा जीवन और जो सॉइल है वो बहुत दूषित हो रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जो है किसानों के बनाए जा रहे थे, उनको लेकर क्या कहेंगे कि कितने कार्ड बनाए गए हैं और किस तरह से किसान जो है इनका लाभ उठा सकते हैं? वैसे तो हमारे जो हमीरपुर में, जैसे आपको पता होगा कि मृदा कार्ड जो वितरण योजना है वो 2-3 साल से चली हुई है, तो हमने लगभग सभी किसानों को मृदा कार्ड जो बांट दिए हैं। अगर जो थोड़े बहुत अभी रहते भी हैं, वहाँ हमारा प्रोसेस चला हुआ है, वहाँ मिट्टी परीक्षण हम अपनी मोबाइल वैन के माध्यम से या हमारे आदमी जो है एक खास प्रक्रिया के तहत, एक GPS सिस्टम के तहत वहाँ सॉइल सैंपल ले रहे हैं, और वो ग्रिड वाइज होता है। कई बार किसानों को लगता है कि मेरा मिट्टी का सैंपल नहीं लिया है, तो वो हमारा ऐसा रहता है कि 10 जो हमारा रेनफेड एरिया है वहाँ 10 हेक्टर का एक ग्रिड होता है, मतलब वहाँ जहाँ की एक जैसी भूमि है, एक जैसी क्वालिटी की भूमि है, तो वहाँ हम एक सैंपल लेते हैं। और जो बाकी वहाँ के मान लिया 20 फैमिली हैं, उनका एक मतलब एक इकट्ठा खेत है या इकट्ठा एरिया है, तो एक सैंपल, बाकी जो 15 या 19 फार्मर रह गए वो उनके फैलो फार्मर होंगे, उनको भी सेम ही जो परिणाम हम वितरित करते हैं कृषि जो आपका हेल्थ कार्ड के माध्यम से। तो हमारी प्रक्रिया जारी है, जो अभी हमारे किसान छूट गए उनको हम अभी उनकी मिट्टी टेस्ट करके उनको हम कार्ड पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है वो मिट्टी जब टेस्ट की जाती है तो उसमें किस तरह का मतलब खामियां जो हैं वो पाई जा रही हैं? मुख्य तौर पर जैसे हमारा ये दो तरह के जो न्यूट्रेंट्स है, एक तो मैक्रो हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास है, इसी तरह से जो हमारे ये सूक्ष्म जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, इनका भी बहुत सा रोल है हमारी खेतीबाड़ी में, तो उनके भी हम परीक्षण करते हैं किस भूमि में कौन सा जो है माइक्रो जो सूक्ष्म तत्वों की कौन सी किसकी कमी है, वो भी हम हमारी लैब में जो हमारे हमीरपुर में यहाँ उसकी जांच होती है, और उस तरीके से हम उनको फार्मर को रिकमेंडेशन देते हैं कि आपकी मिट्टी में ये कोई माइक्रोन्यूट्रेंट जो है इसकी कमी है, और इसकी भरपाई आपने कैसे करनी, पूरी रिकमेंडेशन सॉइल हेल्थ कार्ड में हम देते हैं। और कोई किसान अगर कोई पर्टिकुलर फसल लगाना चाहता है अपने तरीके से, या और जो चाहता है अपनी पसंद की फसल लगाना चाहता है, तो उसके अनुसार भी, फसल के अनुसार भी यहाँ पर हम रिकमेंडेशन देते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आर्थिकी जो है वो डबल हो जाए, इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की क्या सहयोग हो रहा है? देखिए, जहाँ तक आय का डबल करने का प्रश्न है, इसके लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो हमारे खेती करने में खर्चा आ रहा है, इसको हम जब तक हम मिनिमम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मतलब इनकम को नहीं बढ़ा पाते। इसमें दो बातें हैं, एक तो यह है कि हमारी पैदावार बढ़े, दूसरा हमारा जो खर्च लागत है वो भी कम हो। तो लागत को कम करने के लिए जो एक मेन जो हमारा जो मशीनीकरण, जैसे आपने देखा मशीनीकरण का युग है, हमारे लेबर नहीं मिलती है और सबसे ज़्यादा कंपोनेंट हमारे लेबर का है, तो सरकार ने अभी मशीनीकरण पे सब्सिडी 50% सब्सिडी दे रही है, और इससे कहीं तक 80% भी सब्सिडी दे रही है। जैसे हम अभी ट्रैक्टरों पे पिछले जो वर्ष है वहाँ
हमारा 1 लाख 1.25 लाख तक सब्सिडी थी, अब 5 लाख तक सब्सिडी है, अधिकतम 50%। उसी तरीके से जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर पे, ये भी हमारे सेंटर की एक योजना अभी इस साल फिर शुरू की है। इसके अंतर्गत जैसे हमारे हमीरपुर के लैंड होल्डिंग छोटी है, अगर हम कोई मशीन ले भी लेते हैं तो साल में 1 या 2 घंटे उसका प्रयोग होता है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए समझदारी नहीं रहेगा। इसके लिए सरकार ने एक कस्टम हायरिंग सेंटर, मतलब कोई नौजवान या ग्रुप में कोई या संस्था कोई अगर औजार किराए पर रख लेती है, मान लिया कटाई के लिए है आपका बोझ, बिजाई के लिए थ्रेशर है या स्प्रे पंप है या और कुछ जो भी औजार होता है कृषि में, तो अगर वो नौजवान या ग्रुप में मान लिया 25 लाख तक भी वो रखता है तो 40% अनुदान वो सरकार उसको देगी। मतलब 25 लाख मशीनरी रखने पे वो 10 लाख उसको सरकार अनुदान दे रही है, फिर वो आगे किसानों को किराए पर दे देगा। तो इससे भी, इस मशीनीकरण से और इस सुविधा से जो परियोजना चलाई है, योजना चलाई है, इसके माध्यम से हमारे किसान फायदा ले सकते हैं और उनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है ये कम हो जाएगा। दूसरी प्रायोरिटी ये रहेगी जहाँ भी संभावित एरिए हमारे जहाँ पानी का सोर्स है या नाले हैं कहीं, वहाँ चेक डैम लगा के या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवा के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम इरीगेटेड एरिया अंडर इरीगेशन ले आएंगे तो भी हमारी वहाँ पैदावार बढ़ेगी और हमारा जो इनकम वहाँ से भी हमारी बढ़ सकती है। आपने पानी की बात की तो किसानों के लिए जो खेतों में वो फसल लगाते हैं उसके लिए सिंचाई करने की बहुत ज़्यादा जो है समस्या किसानों को पेश आती है, सिंचाई के लिए भी क्या एग्रीकल्चर में कुछ प्रावधान है? देखिए ये फिर ये सेंटर की स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके माध्यम से जहाँ भी हमारे नाले हैं जहाँ पानी हैं उनको पानी को रोक करके वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर या चेक डैम लगा करके उस पानी को उथले जैसे कुएं लगा करके शैलो वेल लगा करके मतलब खेतों तक पानी पहुंचाने का काम वो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सुविधा दे रही है। तो ये हमारे हमीरपुर में काफ़ी इसका बजट आ गया है और जितने भी हमारे साइट्स हैं जहाँ संभावित हैं जहाँ पानी का सोर्स है तो वहाँ हम सरकार काम कर रही है और हमारा विभाग भी ऐसे साइटों की सिलेक्शन कर रहा है। उनकी भी कोशिश है कि अधिक से अधिक एरिया जो है सिंचाई के अंतर्गत आए और किसानों को सुविधा मिले। जैसे सिंचाई के लिए जो जैसे हमारा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, इसके लिए भी सुविधा दे रही है, इस पर भी सब्सिडी दे रही है, 80% तक सब्सिडी दे रही है। तो सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है जैसे जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है इसके माध्यम से हम पूरा जोर लगा रहे हैं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। साथ ही अगर फसल की बात की जाए तो फसल में अगर कीड़ा किसानों की लग जाता है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो किसानों की फसल खराब होने पर क्या उन्हें अनुदान में कुछ सहायता राशि देता है? देखिए फसल नुकसान होने पर एक तो जो अगर आपने बीमा करवाया होगा प्राकृतिक आपदा तब तो मिल जाएगा, अदरवाइज उसको जो कीड़े से प्रकोप है तो इसलिए जैसे कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन उसको जो दवाई है वो सब्सिडी पे दे रहे हैं, उसको जो स्प्रे पंप है वो सब्सिडी पे दे रहे हैं किसानों को, तो उससे वो फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी इसको जो जो भी बीमारी लगती है उसकी समय समय पर वो किसानों को हम जानकारी देते हैं, वो अगर फ़ोन के माध्यम से भी या अगर लाइव सैंपल हमारे पास लाता है तो हम उसका समाधान करते हैं। हमारे साथ केवी के बड़ा है या इधर हमारा ये हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का जो केंद्र है नेरी में, उनके माध्यम से हम किसानों को हम गाइड करते हैं तो उनकी फसल को हम बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। एस्टुडे के माध्यम से हमीरपुर के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी किसानी है इस वक्त बड़े एक संकट के दौर से गुजर रही है, हमारा जो युवा है वो खेती से मुख मोड़ रहा है और इसके बहुत से कारण हैं। हमारी फुल टाइम एग्रीकल्चर नहीं रही, हमारी पार्ट टाइम खेती बाड़ी रह गई है, लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि जो अनाज है सब्जी है वो हमारे जब तक हम खेतों में नहीं तैयार करेंगे तो कहाँ से आएंगे ये। लेकिन यहाँ हमारा भी फर्ज बनता है कि खेती को अट्रैक्टिव बनाएं ताकि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा खेती से जुड़े, उनके पूरी सुविधाएं मिलें, जैसे पानी की सुविधा है, मशीनीकरण है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जो इनका स्पॉट प्राइस है, किसान को ये पता लगे कि मेरी जो मैंने पैदा किया इसका मुझे मिनिमम ये प्राइस मिल जाना है, तो मुझे लगता है कि हमारे युवा भी इस खेती की तरफ मुड़ेंगे और उनको मुड़ना भी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त की हमारी खेती है, जो भी हम खा रहे हैं इस वक्त सब्जियाँ खा रहे हैं, खास करके सब्जियाँ, अन्न में इतना नुकसान नहीं है,
उनके माध्यम से हमारे अंदर इतना जहर जा रहा है। और आपने देखा कुछ समय से हमारे एरिया में कैंसर के मरीज, मैं तो कहूँगा 25-30% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो सिर्फ हमारे जो व्यापारीकरण जो हुआ सब्जियों का, जो इसमें बहुत लाभ है, जो व्यापारीकरण इसलिए कि जो भी सब्जियों को काम करते हैं वो अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, बिना सलाह के प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे हमारे ज़मीन और हमारी सेहत ख़राब हो रही है और ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि हर आदमी अपनी वाटिका छोटी सी लगाए, वही एक अच्छा माध्यम है जिस जहाँ मैं पता कि मैंने यहाँ दवाई नहीं डाली है, और अपनी किचन गार्डनिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल करें और पैसे बचाए। शुक्रिया सर आपने हमसे बात की। तो आपने देखा कि विनोद शर्मा ने बताया कि किस तरह से युवा जो है वो कृषि से जो विमुख हो रहा है, वहीं उन्होंने केंद्र व प्रदेश की सरकार की योजनाओं को भी बताया कि किस तरह से है किसानों की सरकार जो है वो मदद कर रही है। कैमरामैन अश्विनी के साथ मीनाक्षी, एसटीवी न्यूज़ हमीरपुर।